स्टूडेंट्स इन दिस मॉड्यूल वी आर गोइंग टू डिसकस द मेडिकलाइजेशन ऑफ सोसाइटी किसी भी माशरे के हेल्थ केयर सिस्टम का जो बुनियादी मकसद होता है वो वहाँ के लोगों को हेल्थ से रिलेटेड फैसिलिटीज प्रोवाइड करना होता है और ख़ास तौर पर जो डिफरेंट डिजीज़ हैं उनको प्री एंड पोस्ट प्रिवेंशन करना होता है और इसके साथ साथ जो है वो ये देखना होता है कि पा एक द बोर्ड जो है किस तरह से लोगों को हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सकती हैं लेकिन आज हम मॉडर्न सोसाइटीज़ के अंदर देखते हैं कि मेडिसन्स uh, का और मेडिकलाइजेशन का एक बड़ा इफेक्ट जो है वो पैदा हुआ है और हमें यूँ महसूस होता है कि जैसे माशरों के अंदर उनकी मेडिकलाइजेशन की जा रही है मेडिकलाइजेशन से मुराद ये है कि इट्स अ प्रोसेस ऑफ डिफ़ाइनिंग

अगर आप हेल्दी हैं भी तो फिर भी जो है वो आपको सर्टन मेडिसिन की इस वजह से ज़रूरत है ताकि आप उनकी अपनी हेल्थ को सस्टेन रख सकें जैसे वाइटामस जो हैं उसका इस्तेमाल रूटीन बन गया हुआ है सर्टन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं कोलेजेंस हैं इनका इस्तेमाल जो है वो आज हमारी ज़िंदगियों के अंदर रूटीन बन गया है इसके साथ साथ हम जब भी आ, खाने की कुकिंग की या कोई ऐसी प्रोडक्ट्स को देखते हैं ख़ास तौर पर जब हम इनके कमर्शियल्स जो हैं वो देखते हैं तो हमें ये अंदाज़ा होता है कि जैसे कमर्शियल बनाते वक्त तो जो मेन फोकस रखा गया है वो भी हमारे हेल्थ और मेडिसिन रिलेटेड इश्यूज को ही रखा गया है दूसरे लफ्ज़ों तो में हमारे बिहेवियर के हर एस्पेक्ट को जो है वो मेडिकलाइज गेस के साथ देखा जा रहा है मिसाल के तौर पर आपने अक्सर जो है वो साबुन के इश्तहार देखे होंगे उनके अंदर फोकस जो होता है वो ये होता है कि आप इस साबुन के इस्तेमाल से जो है जरासीम का ख़ात्मा कर सकते हैं इसी तरह से जो कुकिंग ऑयल्स हैं उनको रिफ्लेक्ट किया जाता है कि ये कोलेस्ट्रॉल से पाक होते हैं इसी तरह से जो टूथब्रश हैं या टूथपेस्ट हैं उनके ज़रिए जो आपके दांतों के अंदर मौजूद जरासीम हैं उनका ख़ात्मा किया जा सकता है तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि हमारी आज की ज़िंदगी जो है उसके जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उसको एक मेडिकल गेज से या मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है सो मेडिकलाइजेशन इज ड्रिवन बाय वेरियस फैक्टर्स इंक्लूडिंग प्रॉफिट मोटिव ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज एंड मेडिकल प्रोफेशनल्स सोसाइटील प्रेशर्स टू कन्फर्म टू मेडिकल नॉर्म्स एंड द डिज़ायर फॉर कंट्रोल ओवर आवर बॉडीज़ एंड लाइफ्स तो ये सारे एस्पेक्ट्स जो हैं ये मिलके इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं कि कैसे हम आज की दुनिया के अंदर अपने हर एस्पेक्ट को हर प्रैक्टिस को जो है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं और उसको उसी तरह से ट्रीट करने की कोशिश करते हैं मेडिकलाइजेशन कैन हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑन द वन हैंड इट कैन लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ट्रीटमेंट्स एंड थेरेपीज़ वाय ऑन द अदर हैंड इट कैन लीड टू दोवर डायगनोसिस ओवर ट्रीटमेंट एंड स्ट्रिकटाइजेशन ऑफ सर्टन बिहेवियर्स एंड कंडीशनस मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के अंदर जब हम देखते हैं कि एक्सेसि मेडिकलाइजेशन की वजह से ख़ास तौर पर जो स्किन केयर और ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं उनकी वजह से हम ये देखते हैं कि हमारे रवैयों के अंदर बड़ी तब्दीलियाँ वाक़ हो रही हैं और हर वो शख़्स जो इस तरह के एडवर्टिज़मेंट से मुतासर होता है उसके ख्याल में वो एक परफेक्ट बॉडी शेप में नहीं है और उसको उस परफेक्ट बॉडी शेप में आने के लिए उन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहिए तो ये आपके लिए एक सेंस ऑफ इन्फेॉरिटी और सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन भी पैदा करती है जिसकी वजह से लोग जो हैं वो डिफरेंट तरह के स्टिग्मा का शिकार हो जाते हैं पाकिस्तान uh, के अंदर इस तरह की मजद एग्ज़ाम्पल्स में हम ये देख सकते हैं कि जैसे ब्यूटी uh, इंडस्ट्री के अंदर हम तरह तरह के जो डिफरेंट शैम्पूस हैं उनकी एडवर्टीज़मेंट के अंदर देखते हैं कि कैसे उनकी जो मेडिकल वैल्यू है उसको सिग्नीफाई किया जाता है और उसके हवाले से हमें ये मैसेज दिया जाता है कि शायद आपके बालों को भी जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है सो इट्स अ फूड फॉर थाट फॉर यू कि आप मीडिया के अंदर आने वाले डिफरेंट जो कमर्शल्स हैं जो एडवर्टीज़मेंट्स हैं उनका एक छोटा सा कंटेंट एनालिसिस करके देखें कि कैसे ये जो कमर्शल्स हैं अपनी कमोडिटीज़ को सेल करने के लिए जो है वो हमारे मेडिकल uh, एस्पेक्ट को या हेल्थ केयर को फोकस करती हैं और हमें इस हवाले से सेंसिटाइज़ करती हैं कि जो भी प्रोडक्ट्स हैं जो भी कमोडिटीज़ हैं वो हमारे हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं सो इट्स अ फूड फॉर थाट फॉर यू